आप बार बार जैसे कह रहे हैं भगवान की कृपा जी सो so, जी ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कथाएं सुनते हैं उन पे सब पे पे सब भगवान भगवान की की कृपा कृपा रहती है किस पे नहीं है आप पे है, पे है मुझ जो सांस ले रहा है उस पे भगवान की कृपा है क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है ये हवा कौन दे रहा है भगवान दे रहा है पानी कौन दे रहा है भगवान दे रहा है अब आप उसको नेचर बोल दो प्रकृति बोल दो लेकिन कोई तो है ना तो मुझे लगता है भगवान कभी भी कृपा में कोई भेदभाव नहीं करते उस सब पे बराबर की कृपा रखते हाँ जैसे एक कहते हैं ना एक लाडला बच्चा होता है तो वैसे जो भगवान को मानता है उस पर भगवान का थोड़ा सा एक्स्ट्रा दुलार हो जाता है थोड़ा ज़्यादा लाड़ हो जाता है भगवान हमेशा कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ तो वहाँ पे भगवान थोड़ा भेदभाव कर देते लेकिन अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो सब पर भगवान की कृपा है फ़र्क कितना है कि कोई उसको महसूस करता है एहसास करता है और कोई इसको इग्नोर कर देता है अगर आप एहसास करेंगे तो आपको हर पल लगेगा कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं और उनकी कृपा आपके है। आ, मैं भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा चित्रलेखा जी जब मैं छोटा था ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे कोई पूजा पाठ नहीं करता था लेकिन धीरे धीरे श्री कृष्ण से जुड़ने का मौका मिला इसलिए मैं अपने हर वीडियो में राधे राधे भी बोलता हूँ मैं जैसे पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो भी राधे राधे जो शुरू होता है राधे राधे पे हम खत्म करते हैं राधे 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 राधे, राधे, राधे बोलते बोलते ना जीवन में सुकून है शांति है जी। और ये बहुत सहजता से हुआ ऐसा नहीं है कि कुछ रातों रात कुछ हुआ तो में भी ये एक प्रभाव आ ही जाता है जब आप भक्ति करते हैं आपका विश्वास बढ़ जाता है और उम्मीद बढ़ जाती है कि अगर प्रॉब्लम देखिए आपने जैसे कहा सबकी लाइफ में आती है जी। उनसे लड़ने की क्षमता मिल जाती है मिर्च लगी है तो शक्कर शक्कर का स्वाद आ जाता है ठीक है तो इस मैं इस हमेशा कथा में कहती हूँ जैसे कोई जैसे कप है गर्म है अब गर्म कप को हम पकड़ नहीं सकते लेकिन अगर उसमें हैंडल दे दिया जाता है तो हम आराम से उसको होल्ड कर पाते हैं गर्म वो अब भी है गर्म वो तब भी था तो भक्ति जो है ना वो हैंडल का काम करती है आपको संभाल के रखती है ऐसा कब भी नहीं सोचना चाहिए जो लोग सोचते हैं ना भक्ति दुख दूर कर देती है ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है भक्ति में दुख आएगा और मे भी शायद डबल भी आ सकता है क्योंकि भगवान वो देखते हैं ना कि क्लास बढ़ रही है या नहीं है मेरे पास आने लायक है या नहीं है तो दुख तो आएंगे लेकिन साथ साथ में भगवान उसको सहने की शक्ति देते हैं जैसे कुमार बाहर से घड़े को बजा के देखता कच्चा तो नहीं है पर भीतर उसमें हाथ देके थोड़ा सा सहारा भी देता है तो सहारा भक्ति का कर काम करता है